घर घर नहीं पहुंचेंगे, जब तक हम स्कूल स्कूल नहीं पहुंचेंगे, विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय नहीं पहुंचेंगे, तब तक इस सत्ता पे बैठे हुए लोगों को हम सत्ता से बाहर नहीं कर सकते हैं और लोकतंत्र को बचा नहीं सकते। जो सवाल है यहाँ पर कि भारत का बुनियाद क्या है, भारत का बुनियाद है मीडिया। यह बात हम लोगों को समझना पड़ेगा। देश में दो तरह के लोगों के बीच लड़ाइयां हो रही है। इस मुल्क में दो तरह के लोग हैं, एक वो लोग हैं जो नफरत फैलाते हैं, एक वो लोग हैं जो इंसान को आपस में बांटते हैं, एक वो लोग हैं जो ऊंच नीच करते हैं, वो लोग हैं जो इंसान को लड़ा करके इस देश की शक्ति को कमजोर करते हैं, एक हम वो लोग हैं जो नफरत के खिलाफ हमको मोहब्बत की आवाज को बुलंद करना पड़ेगा। और आखिरी बात बोल करके खत्म करूंगा, जब साहब गा रहे थे तो इनकलाब की बात कर रहे थे, लेकिन हमारे कुछ कार्यकर्ता उसको मोहब्बत की तरह ले रहे थे, तो आखिरी बात बोल करके खत्म करूंगा कि जो नौजवान इश्क नहीं करता वो इनकलाब भी नहीं कर सकता, जो इंसान मोहब्बत नहीं कर सकता वो परिवर्तन भी नहीं कर सकता है। इश्क करेंगे, नफरत को हराएंगे, संविधान की आवाज को बुलंद करके इनकलाब लेकर के आएंगे, और हम उस रास्ते पे चलेंगे जिस रास्ते पे महात्मा गांधी ने चला और एकता का संदेश दिया। आज देश की बागडोर पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथ में नहीं है कि जिन्होंने किताब लिखी थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, आज देश की बागडोर डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के हाथ में नहीं है, जो विदेश पढ़ करके आए थे और इस देश की ड्राफ्टिंग कमिटी में कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने का काम किया, बनाने का काम किया। आज देश की बागडोर 23 साल की उम्र में हंसते हंसते फांसी के फंदे पे झूल जाने वाले शहीद आजम भगत सिंह के हाथ में नहीं है, आज देश की बागडोर एक ऐसे इंसान के हाथ में है जो अपनी पत्नी की जिम्मेवारी ना उठाया हो वो देश की जिम्मेवारी उठाएगा। बताइए, आज देश की बागडोर एक ऐसे हाथ में है जो कहता है कि पीएफआई के नाम में भी इंडिया है, मतलब कुत्ता को भी चार पैर होता है, गधा को भी चार पैर होता है, इसलिए सारे गधे कुत्ते हैं। मेरा कोई मकसद नहीं है कि मैं भाजपा, मोदी और आरएसएस की चर्चा करूं, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि कितनी गंभीर परिस्थिति में आज हम खड़े हैं। इतनी गंभीर परिस्थिति में खड़े हैं कि संस्थाओं को तो छोड़ दीजिए, व्यक्तियों को भी बोलने का अधिकार नहीं है। इसका मतलब यह है कि जिस देश की 55% आबादी नौजवान हो, जिस देश में दुनिया का हर पांचवा युवक भारतीय हो, जिस देश में 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हो, और जिस देश में जिस दिन कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा था उससे ठीक कुछ दिन पहले कारगिल में लड़ने वाले शहीदों के परिवार के साथ कैसी नग्नता की गई है, ये वीडियो आप लोगों ने देखा है। इसीलिए आप अपनी जिम्मेवारी को समझिए। देश का फर्स्ट टाइम वोटर जिसके मैसेज में, जिसके स्नैपचैट पे, जिसके इंस्टाग्राम में, जिसके व्हाट्सएप पे झूठ परोस करके, मिस इंफॉर्मेशन परोस करके उनको गुमराह किया गया है, जब तक उनके सामने हम सच्चाई लेकर के नहीं जाएंगे, जब तक हम घर घर नहीं पहुंचेंगे, जब तक हम स्कूल स्कूल नहीं पहुंचेंगे, विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय नहीं पहुंचेंगे, तब तक इस सत्ता पे बैठे हुए लोगों को हम सत्ता से बाहर नहीं कर सकते हैं और लोकतंत्र को बचा नहीं सकते हैं। जो सवाल है यहां पर कि भारत का बुनियाद क्या है, भारत का बुनियाद है इंडिया, यह बात हम लोगों को समझना पड़ेगा। इस देश में दो तरह के लोगों के बीच लड़ाइयां हो रही है, इस मुल्क में दो तरह के लोग हैं, एक वो लोग हैं जो नफरत फैलाते हैं, एक वो लोग हैं जो इंसान को आपस में बांटते हैं, एक वो लोग हैं जो ऊंच नीच करते हैं, एक वो लोग हैं जो इंसान को लड़ा करके इस देश की शक्ति को कमजोर करते हैं, एक हम वो लोग हैं जो नफरत के खिलाफ हमको मोहब्बत की आवाज को बुलंद करना पड़ेगा। और आखिरी बात बोल करके खत्म करूंगा, जब साहब गा रहे थे तो इनकलाब की बात कर रहे थे, लेकिन हमारे कुछ कार्यकर्ता उसको मोहब्बत की तरह ले रहे थे, तो आखिरी बात बोल करके खत्म करूंगा कि जो नौजवान
इश्क नहीं करता वो इनकलाब भी नहीं कर सकता है, जो इंसान मोहब्बत नहीं कर सकता वो परिवर्तन भी नहीं कर सकता है। हम इश्क करेंगे, नफरत को हराएंगे, संविधान की आवाज को बुलंद करके इनकलाब लेकर के आएंगे और हम उस रास्ते पे चलेंगे जिस रास्ते पे महात्मा गांधी ने चला और एकता का संदेश दिया। हम उस रास्ते पे चलेंगे जिस पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चला और साहस का परिचय दिया। हम उस रास्ते पर चलेंगे जिस पर डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर चले और समानता का बात किया। हम भगत सिंह के वासी हैं, हम भगत सिंह के वासिंदे हैं, हम भगत सिंह के वारिस हैं। हमको भगत सिंह के सपनों का देश बनाना है, गांधी के रास्ते पे चलना है और अंबेडकर के विचारों को आगे लेकर के जाना है। इसी आशा और विश्वास के साथ कि भारत की बुनियाद इंडिया में है और इंडिया की जो शक्ति है उसको हमको जोड़ना है, एक आखिरी नारा बोल करके अपनी बात को खत्म करूंगा। मैं विद्यार्थियों के कार्यक्रम में कहता हूं, जुड़ेगा विद्यार्थी, जुड़ेगा विद्यार्थी, जुड़ेगा विद्यार्थी, उसी तरह से जुड़ेगा नौजवान, जुड़ेगा नौजवान, जुड़ेगा नौजवान, जीतेगा इंडिया। इसी आशा और विश्वास के साथ एक बार फिर से यूथ कांग्रेस की पूरी टीम को NSY की तरफ से बधाई देते हुए अपनी बात को खत्म करूंगा। नमस्कार, मैं हूं अहमद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।